हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेशनिंग चैनल पे। एचएससी बोर्ड का रिजल्ट लगने के बाद बहुत सारे बच्चे के मन में अलग अलग सवाल होते हैं। जैसे कि आपके मन में सवाल हो सकता है कि मेरी जो मार्क की रिकाउंटिंग हो जाए, रिकाउंटिंग मतलब काउंटिंग करते करते कई गलती होती है, जैसे कि 27 मार्क थे है ना तो आपको 25 मिले हैं, या 37 थे आपको 32 मिले, तो इसको रिकाउंटिंग, ओनली नंबर काउंट किया जाता है, इसको रिकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये जो ऑफिशियली मतलब मैंने एचएससी बोर्ड में, मैं खुद डिवीजन बोर्ड में जाके ये फोटो निकाल के मैंने लाया है वहां से, ये कोई ऑफिशियली नहीं मिलता है, तो मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं, तो यहां पे नहीं दिखेगा इसलिए यहां पे मैंने उसकी अच्छी तरह से लिख के लिया। गुण पाड़तालणी का मतलब होता है रिकाउंटिंग। नंबर दो, छाया पत्र मतलब होता है जेरोक्स। अगर आप अपने पेपर की जेरोक्स मांगना चाहते हो तो जेरोक्स मांग सकते हो। पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाइन पद्धति ने खालील संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करण्यात यावा। ये क्या सर, पुनर्मूल्यांकनासाठी मतलब बच्चों अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा पेपर रीचेकिंग हो जाए, दोबारा चेक हो जाए, मेरा यह सवाल करेक्ट था लेकिन नंबर नहीं मिले, जेरोक्स देते आपको सच और झूठ क्या ही पता लगेगा। तो जेरोक्स मिलने के बाद आप अपने कॉलेज में, मैं जिस कॉलेज में एडमिशन है उस कॉलेज में जाके उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहता है, मतलब उस सब्जेक्ट का कोई टीचर होता है, तो उनके पास एक मॉडल आंसर होती है, एचएससी बोर्ड देता है, वो लेके आपका पेपर, साथ में पेपर चेक करके देखता है कि भाई कोई गलती तो नहीं। अगर गलती रही तो बच्चों आप अपना ये पेपर दोबारा एचएससी बोर्ड में भेज सकते हो, वो भी ऑनलाइन, सब ऑनलाइन करना है, कोई एचएससी बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग ऑनलाइन भरते भरते कुछ फॉर्म में कि फीस 400 रुपए है, 300 रुपए, अलग अलग फीस होती है, जेरोक्स की तो 400 है, कभी कभी ऑनलाइन फीस, आज थोड़े से वेबसाइट में प्रॉब्लम था, मतलब आज 26 तारीख है, मैंने कुछ स्टूडेंट से मिला था, वो एचएससी बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट हो रहा है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, तो बच्चों वो पैसे वापस आते, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऑनलाइन स्लो रही थी उसके लिए बहुत दिन है, टेंशन मत लेना, आराम से काम कर सकते हो, ठीक है, पहले समझ लो कि प्रोसेस क्या है। ओके बच्चों, तो आपको लगता है कि सर एक बच्चा मुझे स्टूडेंट मिला था, मैं नाम तो यहां पे अनाउंस नहीं करता हूं, प्रैक्टिकल के नंबर आ गए, उसके थ्री के नंबर ही नहीं आए, उसने कॉलेज में जाके देखा कि उसको नहीं क्या, ओरल में इंग्लिश में 20 के 20 नंबर है, मतलब थ्री का एक कोई तो बंदा होगा यार, वो भी अच्छी तैयारी कर रहा है, तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, मैंने मिला तो उनके नंबर ही काउंट नहीं हुए। ऐसे एचएससी बोर्ड में बहुत सारी चीजें होती है, कभी कभी गलती, ऑनलाइन गलती होती है, कभी नंबर मिलते नहीं है, प्रैक्टिकल थ्योरी के नंबर अलग होते हैं तो बाद में मर्ज होते हैं, वो नहीं हुए होंगे, कुछ होते रहता है, तो अलग अलग प्रॉब्लम फेस करने के लिए आपको ये बच्चों ऑफिशियल एक वेबसाइट है HTTP है ना .. यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूंगा, वेरिफिकेशन है ना .emh.hsc.ac.in। ओके बच्चों देखो, उत्तर पत्रिका गुण पड़तणी मतलब रिकाउंटिंग, ओनली काउंट करना है मेरे नंबर, तो 26/5/2023 मतलब आज से, तो 5/6 बहुत दिन बाकी है ना भाई, बहुत दिन है, 50 रुपये फीस है पर सब्जेक्ट, लेकिन एक इंग्लिश सब्जेक्ट है तो 50, फिजिक्स है तो 50, आपके चार सब्जेक्ट है तो कितने होंगे, 200 रुपए होंगे, दो सब्जेक्ट है तो 100 रुपए होंगे, ठीक है, ये ऑनलाइन यहाँ पे भरना है, जो जो मांगता है, ऑनलाइन जाओगे तो आपको बोलेगा कि मार्कशीट अपलोड करो, ये अपलोड करो, वो करो, नाम डालो, ये करो, कौन सा सब्जेक्ट, ठीक है। उत्तर पत्रिकी की अगर आपको आंसर शीट की जेरोक्स चाहिए तो 26 से 24, भगवान कितने दिन है, करीब करीब एक महीना मानता हूं मैं, एक महीने तक आप जेरोक्स मंगवा सकते हो, एक महीना है कम से कम, करीब करीब मैं अप्रोक्स बोल रहा हूँ, कम है थोड़े दिन, ठीक है, 400 रुपये लेकिन पर सब्जेक्ट, इंग्लिश की मार रहे हैं तो 400, फिजिक्स की 400, केमिस्ट्री 400, बायोलॉजी 400, चार सब्जेक्ट मारना है तो 1600 मिलेगी, पांच सब्जेक्ट की जेरोक्स मांगनी तो आपको 2000 लगेंगे, ठीक है ना। वो आंसर शीट पे अगर आपको डाउट है कि नहीं मैंने सही लिखा है, इस सर ने, अगले वाले सर ने मुझे नंबर अच्छे नहीं दिए, तो बच्चों आपको बाद में दोबारा ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपका पेपर, आपके प्रिंसिपल ने, वहाँ पे पहले कॉलेज का लेक्चर बोलता है कि नहीं नहीं यहाँ पे गलती थी, ये करेक्ट नंबर होना चाहिए, लिख के देता है, एक आपके कॉलेज का एक पत्र रहता है उसके ऊपर लिख के देता है ना, तो वो प्रिंसिपल साइन इसके ऊपर एक शिक्का मार देता है और वो पेपर सब स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है किसको, HSC बोर्ड पे, इसी वेबसाइट पे।
तो ये करना है बच्चों उत्तर पत्रिका, और वो कब करना है सर? देखो 300 रुपये फीस है, अगर रिवैल्यूएशन करना है, रिवैल्यूएशन, इसको रिकाउंटिंग बोलेंगे, ठीक है? ये रिकाउंटिंग है पहले नंबर का, तीन नंबर का रिवैल्यूएशन। बच्चों ये ध्यान रखना, आप जिस दिन में जेरॉक्स लेके गए उसके पांचवें दिन, कौन से पांचवें दिन, राइट, कंप्लीटली बच्चों पांचवें दिन आप लोगों को वो जेरॉक्स आपको री अपलोड करना पड़ता है दोबारा, और सेम प्रोसेस है जैसे पहले की थी वैसे ही दोबारा प्रोसेस है, लेकिन उसको कुछ नहीं, प्रिंटर होता है, कोई जा सकते हैं, जा कंप्यूटर सेंटर है वहां पे वो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को ये प्रोसेस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात समझ में आई होगी। बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम से, किसी के प्रैक्टिकल के नंबर ऐड नहीं होते, किसी की थ्योरी के नहीं होते, किसी की पेपर चेक करते करते कुछ गलतियां होती है। अगर आपको डाउट है कि मेरे नंबर तो बहुत अच्छा आने वाले थे, नहीं आ गए, तो ये कर सकते हैं, ये आपके हाथों में है, अच्छी प्रोसेस है, जल्दी से करना पड़ेगी। मैं बोलता हूँ ज़्यादा टाइम मत ये करो, नहीं तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं बोलता हूँ फटाफट आज से या कल से ही काम को लगना है, जिनको जिनको ये डाउट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, और ये जो है आंसर शीट आपको आपके एड्रेस पे आ जाती है, घर पे आने की, जब आपको मैसेज आता है बच्चों, मैसेज आता है फ़ोन पे, वो मैसेज भी दिखा के आप एचएससी बोर्ड से कलेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके एड्रेस पे नहीं, मेरे ख्याल से एचएससी बोर्ड में ही जाना पड़ेगा, फटक से मेल आया तो, या एड्रेस सॉरी मोबाइल पे आपको मैसेज आता है डायरेक्टली कि आपकी वेबसाइट कलेक्ट कर लो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो शेयर करना अपने दोस्तों तक, जिनके नंबर कम आए उनके भी अभी भी ग्रुप क्राइटेरिया कंप्लीट हो सकता है। किसी किसी को लगता है कि मेरा ग्रुप क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ शेयर करो जल्दी से जल्दी। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।